हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी चैनल। माय नेम इज़ नेहा। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जो मेरी चैप्टर 21 पे बनी हुई है, आज मैं आप लोगों के लिए रिवीजन कोर्स लेकर आई हूँ। उससे पहले जो मैंने आपके लिए फुल रिवीजन कोर्स बनाया था वो 3 से लेकर 8 चैप्टर तक का था और अब आगे 9 से है। तो गाइज, आज की वीडियो में ये रिवीजन कोर्स है ताकि आप लोगों को, जैसे जो मिस कर देते हैं डेली वीडियोस, तो वो रिवीजन कोर्स वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 9 से। तो गाइस, जैसे कि आप चैप्टर 9 देख रहे हैं, इसका नाम है लार्ज सर्कल SW and SS और SZ। पहले इसके कुछ की पॉइंट्स देख लीजिए आप। जैसे कि SW का जो सर्कल बनेगा स्ट्रोक के शुरू में बनेगा, ठीक है, और लाइट बनेगा। इसकी स्वीट पॉलिसी, फिर होता है हमारा पॉलिसी, जैसे ये वाला पॉलिसीज है और ये पॉलिसी है, ठीक है। जब SS आएगा तो लाइट सर्कल, जब SZ बनेगा तो डार्क सर्कल बनेगा। सर्कल कहीं भी बन सकता है पर शुरू में नहीं बनेगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत रेयर होगा जब, जैसे SW का सर्कल तो स्टार्टिंग में बन गया, बट SS और SZ का जो सर्कल बनेगा वो स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, बस उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चैप्टर देखिए आप, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए जो वर्ड्स दे रखे हैं कॉन्सोनेंट वाले SW के, सीट, स्वीट, सम, स्वम, स्वे, फिस, साफिस, सासिव, ठीक है। फिर SS के सर्कल से रिलेटेड वर्ड दे रखे हैं, जैसे नेसेसिटी, पासिस, पोजेसिव, कॉजेस, एग्जिस्ट, एग्जॉस्ट, एक्सरसाइज्ड, फिर हमारा एक्सरसाइजेज है। तो गाइस, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये वर्ड्स लिखना है। जब दो साउंड आएगा तो एस का सर्कल थोड़ा बड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइजेस आ रहे हैं तो सर्कल यहाँ पर बड़ा बन गया। एक छोटा सा यहाँ पर और सर्कल दे दिया है, ठीक है, इसके अंदर, और आई का वोवल लगा दिया क्योंकि एक्सरसाइज आई का साउंड आ रहा है। उसके बाद आता है हमारा प्लूरल एंड पोजेसिव वाला। तो देखिए लूसी कैसे बना, लूसी, पॉलिसी, जेलेसी, फिर लूसीज, पॉलिसीज, फिर जेलिसीज। मतलब पहले ये सिंगल वर्ड्स है जिनके साथ एस नहीं लगा, जब इनको प्लूरल बना दिया जाता है तो ये कैसे बनते हैं, तो वो फॉर्म बताई गई है इसके अंदर। फिर अब देखिएगा यहाँ पर पोसेस, पॉज एंड एक्सेस, फिर एक्सेस, फिर रिसेस, फिर रेसेस, ठीक है। फिर लार्ज सर्कल इन फ्रेसोग्राफी। अब एज वी हैव, देखिए कैसे बनना, एज वी हैव, एज वी कैन, एज वेल एज, फिर हमारा इन द सिटी, इन द सिटी सॉरी, फिर दिस इज, फिर एज इज, फिर इज एज। तो ये हमारी फ्रेसोग्राफी है, ये आपको लर्न करनी है क्योंकि हमारे सेंटेंस के पैराग्राफ में आएगी और हमें ये याद होना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद आते हैं इस चैप्टर का ग्रामर लॉग। ग्रामर लॉग देखिए आप, इन एनी कैसे बनेगा, इन एनी, ऑन, योर, ईयर, आर, आवर, आवर सेल्स एंड देम सेल्स। आवर और आर जो कि टाइम के लिए यूज होता है, दोनों सेम ही बनेंगे, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको ये बना देना है, ठीक है गाइज। चलिए साथ के साथ चैप्टर की एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 31। अब इसके मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए पहले भी लिख के रखे थे, पहले ही इस पर वीडियो बनी हुई मेरी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्वीप, स्वीट, स्वेट, स्विच, स्विच, स्विश, पासिस, बेसिस, डोज, टेज, केसेस, गैस, फेसिस, पोजेस, सपोज, डिपोज, मिक्सेस, नोज एंड लेसिस। फिर हमारा फोर्थ है नाइसिस, नेसेसरी, सक्सेस, सक्सेसफुल, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। फिर फिफ्थ हमारा एम्फसाइज, एम्फसाइज, एम्फसाइजिंग, सेंसेस, इंसिस्ट, पैरेंथेसिस एंड साइनोपिसिस। सिक्स हमारा पॉलिसी, पॉलिसीज, जेलेसी, जेलेसीज, मर्सी, मर्सीज, लेगेसी, लेगेसीज। लास्ट सेवन्थ हमारा पोजेस, पोजेसिस, रिसेस, रिसेसिस, एब्सेस, एब्सेसिस एंड एक्सेस। ठीक है गाइज, ये हमारी एक्सरसाइज 31 के अकॉर्डिंगली, जैसे शॉर्ट हैंड लिखी है उसी के अकॉर्डिंगली वर्ड्स लिखे हैं, बस आपको देखना है कैसे क्या आउटलाइन है और प्रैक्टिस करनी है। चलिए 32 देख लीजिए। 32 में हमें वर्ड्स दे रखे हैं और हमें इसकी शॉर्ट हैंड बनानी है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा बना हुआ है स्वीटली, स्वीटनेस, स्विग, स्वेन, स्विंग, स्विमर, एंटाइज, रिड्यूस, रिवाइजेस, ऑनिस, मिन्स एंड लेसेस। फिर थर्ड पॉइंट हमारा रोजेस, परयूज, एंटेरेसेस, एसेंसेस, फेसेंसेस, रोमेंसेस। फोर्थ हमारा डेजेस, रिसीव, रेसेस, रिसिस्ट, मिसेस एंड मिसिपी। फिर फिफ्थ हमारा फैलेसी, फैलेसीज, मोरिसी, मोरिसीज, क्यूरेसी, क्यूरेसीज, ठीक है। देन सिक्स लास्ट हमारा थीसिस, एम्फसिस, पैरालाइजिस, जेनिसिस एंड
नेमनीज एंड एक्सेस। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे एक्सरसाइज 32 के वर्ड्स थे उसी के अकॉर्डिंगली उसकी शॉर्ट हैंड लिखी हुई थी। चलिए अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 33। अब देखिए एक्सरसाइज 33, इसके अंदर हमें पैराग्राफ दे रखा है और हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। शॉर्ट हैंड पैराग्राफ है, आपको पता है इस पैराग्राफ को पहले पॉइंट वाइज में डिवाइड करना है, 1, 2, 3 करके, देन उसके बाद उसकी शॉर्ट हैंड उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, क्योंकि वो आपके लिए ईजी होगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। आप ये देखिएगा एक्सरसाइज 33 का फर्स्ट पॉइंट, आई विश यू टू राइट टू मी एज टू द डिस्पोजल ऑफ दोज केसेस ऑफ योर्स विच आई हैव हैड लाइंग इन दीज ऑफिसेस फॉर अ ईयर नाउ। तो इसकी शॉर्ट हैंड है, I wish you to write to me as to the disposal of those cases of yours which I have had lying in those offices for a year now. Then iski second point hai, you have had successive notices asking you to remove them but to no purpose. You have had successive notices asking to remove them but to no purposes. Sorry, purpose. पर्पस चीज ये है एस सर्कल एस का एंड में। फिर थर्ड पॉइंट हमारा, देख द केसेस देमसेल्व्स आर अगली एंड दे कैन स्केर्सली बी सेड टू बी स्वीट स्मेलिंग। तो इसकी शॉर्ट हैंड कैसे, द केसेस देमसेल्व्स आर अगली एंड दे कैन स्केर्सली बी सेड टू बी स्वीट स्मेलिंग। ठीक है गाइस, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। फोर्थ पॉइंट देखिए, बिसाइड्स दिस द स्पेस इन दीज ऑफिसेस इज टू स्मॉल फॉर माय बिजनेस एंड आई हैव नो रूम टू स्पेयर फॉर दीज पैकेजेस। तो ये शॉर्ट हैंड कैसे, बिसाइड्स दिस द स्पेस इन दीज ऑफिसेस इज टू स्मॉल फॉर माय बिजनेसेस आई हैव नो रूम टू स्पेयर फॉर दीज पैकेजेस। अब इसका फिफ्थ लास्ट पॉइंट है, दिस इज एन अननेसेसरी अनाउंसमेंट एंड आई इंसिस्ट ऑन योर टेकिंग द केसेस अवे बाय द 10th ऑफ जुलाई एट द आउटसाइड। तो इसकी शॉर्ट हैंड कैसे होगी, दिस इज एन अननेसेसरी अनाउंसमेंट एंड आई इंसिस्ट ऑन योर टेकिंग द केसेस अवे बाय द 10th ऑफ जुलाई एट द आउटसाइड। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट की एक्सरसाइज देखते हैं। आप ही पहले अच्छे से देख लीजिए, पांच पॉइंट है इसके अंदर 1 से लेकर। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 34 देखते हैं। एक्सरसाइज 34 देखिए आप, इसमें हमें पैराग्राफ दे रखा है इंग्लिश में और हमें इसकी शॉर्ट हैंड लिखनी है। तो गाइज ये जो वीडियो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ फुल रिविजन की 9 से लेकर चैप्टर्स की, तो गाइज इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हो कंटिन्यू तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, फिर जिन्होंने देख रखी है तो उनके लिए रिव्यूज़ नीट एक्सरसाइज है, उनको भी देखना ही देखना है। ठीक है गाइज, अब एक्सरसाइज आप देख लीजिए, इसके अंदर इंग्लिश लिखी है, मैं इसकी शॉर्ट हैंड लिखनी है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 34 का फर्स्ट पॉइंट, द इनवॉइसेस एंड बिल्स ऑफ लेडिंग फॉर द वैलेंसेस एंड लेसेस आर रेडी फॉर डिस्पैच एंड द केसेस देमसेल्व्स आर टू लीव बाय द स्विस वैली सेलिंग ऑन वेनसडे। तो शॉर्ट हैंड कैसे, द इनवॉइसेस एंड बिल्स ऑफ लेडिंग फॉर द वैलेंसेस एंड लेसेस आर रेडी फॉर डिस्पैच एंड द केसेस देमसेल्व्स आर टू लीव बाय द स्विस वैली सेलिंग ऑन वेनसडे। ठीक है गाइज, अब इसका सेकेंड पॉइंट देखिएगा आप, द एडवाइजेस शुड बी विद आवर कस्टमर्स बाय द 10th ऑफ मार्च एंड दे विल डू ऑल दे कैन टू मेक अ सक्सेस ऑफ द डील। तो शॉर्ट हैंड कैसे, द एडवाइस शुड बी विद आवर कस्टमर्स बाय द 10th ऑफ मार्च एंड सॉरी ऑल And they will do all they can to make a success of the deal. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिएगा, they know the business thoroughly and you may safely leave it to them. तो इसकी शॉर्ट हैंड कैसे, they know business thoroughly and you may safely leave it to them. अब नेक्स्ट इसका फोर्थ लास्ट पॉइंट है, it is scarcely necessary to emphasize what they themselves know already. This scarcely necessary to emphasize what they themselves know already. ठीक है गाइज, तो इसमें टोटल 4 पॉइंट ही दे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 34 में, आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। यहाँ पर हमारा चैप्टर 9 फिनिश होता है, जो हमारा लास्ट सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जेड पे था। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 10।
गाइस चैप्टर 10 है आपका नेक्स्ट लूप एसटी एंड एसटीआर की, कि इसमें हमें एसटी और एसटीआर की लूप कैसे बनानी है। कुछ पॉइंट्स है, एक बार वो देख लो आप। जैसे एसटी की जो लूप होगी वो स्मॉल बनेगी एंड लाइट बनेगी, और एसटीआर की जो लूप होगी वो लार्ज बनेगी, ठीक है। और जेडी की जो लूप होगी वो डार्क बनेगी। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इन तीन पॉइंट्स का। चलिए एक बार चैप्टर देख लीजिए। चैप्टर में आप देखिएगा, जैसे सीम स्टीम एसटी की लूप देखते जाइए कैसे बनी हुई। स्वान स्टोन सेक स्टेक मिस मिस्ट, इसमें लूप ऑफ एसटी दिखा रहे हैं। लेस लेस्ड पास एंड पास्ट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको इस वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट देखिए, बेस्ट बेस्टो रस्टी ऑनेस्ट ऑनेस्टी। फिर आता है हमारा फ्यूज रेफ्यूज अपोज डिस्पोज, हमारा डिस्टिंग्विश्ड कॉज, ठीक है। अब आते हैं हमारे एसटीआर की लूप पे, उसके रिगार्डिंग वर्ड देखिए। एसटीआर की लूप में पास पास्ट एंड पास्टर, फास्ट एंड फास्टर, तो उसकी लूप देख रहे हैं थोड़ी बड़ी बनी हुई है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा जस्टिफाई इलास्टिक एंड मास्टर पीस, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर को एक बार री रीड करना है। हमारा आता है बेस्ट बेस्टस रेस्ट रिसिप्ट पास्टर पोस्चर पोस्टर एंड पोस्टर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट टेस्ट्स लास्टर एंड लास्टर्स, तो ये वर्ड्स है जो सिमिलर होते हैं, लेकिन इनके साथ जब एस और एस टी या एस टी आर आ जाता है तो इनके साउंड भी अलग हो जाते हैं और इनको बनाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो गाइस इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ग्रामर लॉग भी देख लीजिए इस चैप्टर का। ग्रामर लॉग देखिए, फर्स्ट कैसे बनेगा। फर्स्ट इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस्ड नेक्स्ट मोस्ट लैंग्वेज ओइंग थिंग यंग लोड एंड वी, जहाँ पर डी डी बना हुआ है वो डार्क बनेंगे। बस इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है और इनके आउटलाइंस का ध्यान रखना, कौन सा ऑन द लाइन है और कौन सा अबाउट द लाइन है, ठीक है गाइस। चलिए अब उसके एक्सरसाइज देखते हैं थोड़ी देर में। अब देखिए एक्सरसाइज 35, इसमें हमें शॉर्ट एंड दे रखी है और इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। आप पहले इसके वर्ड्स देख लीजिए, इसके आउटलाइंस देख लीजिए, अबव द लाइन ऑन द लाइन कहाँ पर आ रही है। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट है पोस्ट पोस्टर टेस्ट टेस्टर चेस्ट चेस्टर एडजस्ट एंड एडजस्टर। फिर सेकेंड है हमारा फास्ट फास्टर मस्ट मास्टर मास्टरपीस एंड मास्टर्स। फिर थर्ड है हमारा पोज सपोज डिपोज एक्सपोज एक्यूज एक्यूज्ड एंड मिक्स्ड। अब आप सोच रहे होंगे अब ई डी का तो साउंड करवाया नहीं था, जो जेड डी का साउंड मैंने आपको लूप दिखाई थी ना, जो जेड डी वाली लूप है डार्क है, तो अब इसको एक्यूज्ड ज ड जेड और डी का साउंड आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे उसके अकॉर्डिंगली बनाना है, ठीक है। फिर स्टेट स्टेटली स्टॉप स्टॉपेज स्टार्डी स्टार्टली एंड स्टोरी। फिर इसका फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, स्टीम स्टीमशिप स्टेट स्टेल्थी स्टेयर स्टेयरकेस एंड स्टोर। सिक्स्थ टेस्टिफाई टेस्टिफाई जस्टिफाई जस्टिफाई सजेस्ट सजेस्टिंग एंड सजेस्टिव। सेवन्थ हमारा मिस्ड मिस्टी ऑनेस्ट ऑनेस्टी बेस्ट बेस्टो एंड बेस्ट सेट, ठीक है गाइस। इसके 70 पॉइंट्स हैं, दे शॉर्ट एंड उसके रिस्पेक्टिवली में इसके आंसर्स लिखे हुए आपने देख लिए अच्छे से। चलिए अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 36 देखिए। इसके अंदर हमें वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, और इसके हमें शॉर्ट एंड करनी है, तो इस एक्सरसाइज का पहले अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टाउट स्टाउटली स्टॉक स्टॉकेट स्टाइल एंड स्टाइलिश। फिर सेकेंड हमारा रस्ट रस्ट्स नेस्ट नेस्ट्स वेस्ट एंड वेस्टेस। फिर थर्ड है बॉक्स बॉक्स्ड लैप्स लैप्स्ड रेफ्यूज एंड रेफ्यूज्ड। फोर्थ है हमारा कोस्टर कोस्टर्स बोस्टर बोस्टर्स एंड मस्टर। फिफ्थ है हमारा स्टोन स्टोल स्टेव स्टैम स्टंग एंड स्टार। फिर सिक्स्थ पॉइंट है हमारा गैज्ड गैजेट वेस्ट विजिट रस्ट एंड रस्ट सेट। फिर सेवन्थ एंड लास्ट है हमारा बॉलस्टर्स बैरिस्टर वेस्टर लस्टर सिनिस्टर एंड मिनिस्टर। तो गाइस जैसे वो वर्ड्स दे रखे थे उसी के अकॉर्डिंगली शॉर्ट एंड है, आप ये अच्छे से देख लीजिए। 7 पॉइंट ही है, एक बार एक्सरसाइज और देख लीजिए, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। वर्ड्स को लिख लिख के आपको शॉर्ट एंड की प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको हर वीडियो में बताते चार चार पांच पांच लाइनें तो लिखनी लिखनी है। चलिए एक्सरसाइज 37 देख लो। 37 में हमें पैराग्राफ दे रखा है शॉर्ट एंड में, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में।
ठीक है गाइज, जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि इसको पॉइंट वाइज में डिवाइड करके देन उसके बाद उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। चलिए इसके आंसर भी देखते हैं साथ के साथ। सो गाइज, नाउ द आंसर इट इज फर्स्ट पॉइंट का, द फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द न्यू स्टाइल्स मे बी हैवी बट इट विल सून बी रिपेड बाय द सेविंग इन वेस्ट एंड बाय द इमेंस सेल्स विच विल फॉलो। तो इसका शॉर्ट हैंड कैसे, द फर्स्ट कोट ऑफ द न्यू स्टाइल्स मे बी हैवी बट इट विल सून बी रिपेड बाय द सेविंग्स इन वेस्ट बाय द इमेंस सेल्स विच विल फॉलो। सेकेंड पॉइंट हमारा, बिजनेस मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट ऑफ आवर हैविंग द बेस्ट एंड चीपेस्ट एंड लेटेस्ट स्टाइल्स टू शो टू कस्टमर्स एंड वी थिंक दे विल एंडोर्स आवर होप्स। तो इसकी शॉर्ट हैंड कैसे होगी, बिजनेस मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट ऑफ आवर हैविंग द बेस्ट एंड चीपेस्ट एंड लेटेस्ट स्टाइल्स टू शो टू कस्टमर्स एंड वी थिंक दे विल एंडोर्स आवर होप्स। इसका थर्ड पॉइंट है, वी आर सीकिंग ऑल्सो टू इन्फ्लुएंस द बिग बायर्स टू आस्क टू सी द न्यू डिजाइंस एंड इफ दे कैन बी इंड्यूस्ड टू लुक एट दैम वी थिंक बिजनेस मस्ट फॉलो। तो इसकी शॉर्ट हैंड कैसे होगी, वी आर सीकिंग ऑल्सो टू इन्फ्लुएंस द बिग बायर्स टू आस्क टू सी द न्यू डिजाइंस एंड इफ दे कैन बी इंड्यूस्ड टू लुक एट दैम वी थिंक बिजनेस मस्ट फॉलो। ठीक है गाइज, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइज इसके तीन ही पॉइंट हैं क्योंकि इसकी एक्सरसाइज थोड़ी छोटी थी, आप इसको अच्छे से देख लीजिए स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेकर सेकंड थर्ड तक। तो गाइज चलिए अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी देखते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज 38 है। तो 38 में गाइज हमें पैराग्राफ दे रखा है और हमें इसको ट्रांसलेट करना है अपने शॉर्ट हैंड में, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये भी छोटा ही पैराग्राफ है, इसके भी पॉइंट्स कम ही बनेंगे। तो चलिए अब हम इसके आंसर भी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द लैंग्वेज ऑफ द यंग बैरिस्टर इन द केस वॉज मोस्ट स्टेटली एंड इट मस्ट हैव इन्फ्लुएंस्ड बोथ जज एंड ज्यूरी। तो इसकी शॉर्ट हैंड कैसे होगी, द लैंग्वेज ऑफ द यंग बैरिस्टर इन द केस वॉज मोस्ट स्टेटली एंड इट मस्ट हैव इन्फ्लुएंस्ड बोथ जज एंड ज्यूरी। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा, इट ऑलमोस्ट लुक्ड एज इफ द केस वॉज लॉस्ट एट द फर्स्ट बिकॉज ऑफ द काम वे इन विच द अपोजिंग काउंसिल सेट आउट टू स्टेट द फैक्ट्स फॉर हिज साइड। तो इसकी शॉर्ट हैंड कैसे, इट ऑलमोस्ट लुक्ड एज इफ द केस वॉज लॉस्ट एट द फर्स्ट बिकॉज ऑफ द काम वे इन विच द अपोजिंग काउंसिल सेट आउट टू स्टेट द फैक्ट्स फॉर हिज साइड। अब इसका थर्ड पॉइंट है हमारा, बट द यंग बैरिस्टर फेस द टेस्ट फेयरली एंड हिज लैंग्वेज एंड स्टाइल दो डिफरेंट स्लोड हिम टू बी अ मास्टर ऑफ लॉ एंड लॉजिक। तो उसकी शॉर्ट हैंड कैसे होगी, एंड द यंग बैरिस्टर फेस द टेस्ट फेयरली एंड हिज लैंग्वेज एंड स्टाइल दो डिफरेंट शोड हिम टू बी अ मास्टर ऑफ लॉ एंड लॉजिक। तो गाइस यहाँ पे इसका थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, वी शैल वॉच हिज कैरियर एट द बार एंड वी थिंक ही मस्ट सक्सीड बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी। तो इसकी शॉर्ट हैंड कैसे बनेगी, वी शैल वॉच हिज करियर एट द बार एंड वी थिंक ही मस्ट सक्सीड बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज। गाइज आप सोचते होंगे कि मैं इतना पैराग्राफ इसको लिखती हूँ, ये तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सरसाइज में लिखा होता है, फिर से ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ। तो ये इसलिए मैं पैराग्राफ वाइज में इसको पॉइंट वाइज में करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो पाए कि जो उसकी शॉर्ट हैंड कैसे बनेगी। दो दो बार पढ़ने का मेरा पर्पस यही रहता है कि आपको इंग्लिश भी अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या वर्ड्स कहाँ पर क्या लिखे हैं, सेकेंड आपको शॉर्ट हैंड भी पता चल जाए कि वर्ड की शॉर्ट हैंड मैंने कैसे लिखी हुई है और उसकी प्रोनंसिएशन मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है, और सेकेंड ये चीज़ इसलिए भी बताती हूँ ताकि जैसे अब द लैंग्वेज ऑफ ओन, मेरा पर्पस ये रहता है कि आपको पता चले कि मैंने जिस वर्ड पे फिंगर रखे वो वर्ड ऐसे बनेगा। बस इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे पैराग्राफ वाइज में पॉइंट वाइज में लेकर आती हूँ आपके पैराग्राफ्स को। तो गाइस चलिए अब इसकी नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी है रिविजनरी एक्सरसाइज ए। तो आप इसमें अच्छे से देख लीजिए, इसमें 283 वर्ड्स दे रखे हैं हमें, टोटल 283 वर्ड्स दे रखे हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप एक बार अच्छे से देख लो, यहाँ से ये स्टार्ट है।
पिक्चर आपको क्लियर हो रही होगी, जिन्होंने ऑलरेडी ये चैप्टर को पढ़ लिया है, एक्सरसाइज को देख लिया होगा, तो उनके लिए तो और भी इजी हो रहा होगा उसको रिवीजन कर पाना। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, जो खाली फुल रिवीजन वाली वीडियोस देखते हैं, तो उनके लिए मैं ये लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा केयरफुली एंड बिल्कुल फोकस के साथ आप करें। चलिए अब इसका आंसर दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए रिविजन एक्सरसाइज ए का फर्स्ट पॉइंट, इफ़ यू कैन पुट मी अप फॉर अ वीक इन अगस्त आई शैल बी रेडी टू गो एंड स्टे विद यू, यू कैन हैव एज मच वॉकिंग एज यू लाइक। तो स्टूडेंट कैसे बनेगी, यू कैन पुट मी अप फॉर अ वीक इन द अगस्त आई शैल बी रेडी टू गो एंड स्टे विद यू, देन फुल स्टॉप, यू कैन हैव एज मच वॉकिंग एज यू लाइक, देन फुल स्टॉप। ठीक है गाइस, सेकंड पॉइंट हमारा, आई शैल बी एट योर डिस्पोजल एट ऑलमोस्ट एनी आवर एंड एज आई एम रेयर वॉकर माई सेल्फ आई थिंक आई कैन से यू विल हैव ऑल द एक्सरसाइज यू विश। तो इसकी शॉर्टकट कैसे होगी, आई शैल बी एट योर डिस्पोजल एट ऑलमोस्ट एन आवर एंड एज आई एम अ रेयर वॉकर माई सेल्फ I think I can say you will have all the exercise you wish. तो इसका थर्ड पॉइंट बनेगा, You ought to be a different fellow when I leave if you will be influenced by me. तो इसकी शॉर्टन कैसे होगी, You ought to be a different fellow when I leave if you will be influenced by me. ठीक है गाइज, अब इसका फोर्थ पॉइंट देखिएगा, I think I can give you a mile in six and beat you. I think I can give you a mile in six and beat you. A fifth point, I have had some talk with young Lord Robinson several times in the past week and he says you can do 5 miles an hour. तो इसकी शॉर्टकट कैसे बनेगी, I have had some talk with young Lord Robinson. नाम है इसलिए डोडा सत्य का, several times in the past week and he says you can do 5 miles an hour. ठीक है guys, अब इसका sixth point देखिएगा, those who saw you last autumn and you know what you can do all say the same thing. तो शॉर्टन कैसे होगी, those who saw you last autumn and know what you can do all say the same thing. ठीक है गाइस, अब इसका सेवंथ पॉइंट देखिए, दिस इज ऑल आई नो एज टू योर फॉर्म बट वी शैल सी फॉर आवर सेल्फ आई थिंक यू विल ऑन आई एम फॉर सॉरी फार बियॉन्ड यू इन स्पीड. ठीक है, अब से शॉर्ट में देखिए, दिस इज ऑल आई नो एज टू योर फॉर्म देन फुल स्टॉप बट वी शैल सी फॉर आवर सेल्फ and full stop I think you will on I am far beyond you in speed. ठीक है, अब इसके next point देखिएगा, next point देखिए, it will be a case of each for himself and the race to the faster of the two. ठीक है, अब इसकी shorthand कैसे होगी, it will be a case of each for himself and the race to the faster of the two. ठीक है, अब इसका ninth point देखिए, oh I know I shall beat you unless you are faster this year. Those who think poorly of themselves only induce those who know them to think the same. तो इसकी शॉर्टन कैसे बनेगी, ओ आई नो आई शैल बीट यू अनलेस यू आर फास्टर दिस ईयर देन फुल स्टॉप, those who think poorly of themselves only induce those who know them to think same. ठीक है गाइस, अगर टेंथ पॉइंट देखिए, आई स्पीक फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई नो माई सेल्फ I can say a deal on this subject and I usually do so. तो शॉर्टन कैसे बनेगी, I speak for myself because I know myself. I can say a deal on this subject and I usually do so. ठीक है, अब इसका 11th point देखिएगा, You ask why I have stayed away so long. The answer is business keeps me away. तो शॉर्टन कैसे बनेगी, You ask why I have stayed away so long full stop, the answer is business keeps me away. ठीक है guys, business keeps me away. 12th point is ka, when would you like me to come question mark, the best of luck to you and to the rest of the family. It will be nice to see them although I saw most of them a month or two ago. This shortening kaise banegi,
When would you like me to come? Then question mark, the best of luck to you and to the rest of the family. It will be exclamation is it will be wise nice to see them, although I saw most of them a month or two ago. ठीक है गाइस, तो यहाँ पर 12 पॉइंट था, हमारी डिविजनरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए सारे पॉइंट्स को, एक बार इसको भी अच्छे से देख लो आप, नेक्स्ट पेज का देख लीजिए. इस वाले पेज का भी देख लीजिए नेक्स्ट का. तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. यहाँ पर मेरा चैप्टर 10 फिनिश होता है जो कि लूप एसटी एंड एसटीआर पे था. तो अपनी नेक्स्ट तो चैप्टर देखते हैं. अब हमारा चैप्टर 11 जो है, चैप्टर 11 हमारा इनिशियल हुक्स टू ट्रेड स्टॉक्स एंड कर्व्स. ठीक है गाइज, एक्सरसाइज 11 देखिए गाइज, इसके अंदर हम चैप्टर का नाम है इनिशियल हुक्स टू ट्रेड स्टॉक्स एंड कर्व्स. ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, हमें आर का हुक बनेगा ट्रेड स्टॉक के साथ एंड कर्व स्टॉक के साथ. तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें बताया गया है कि आर का हुक कैसे बनेगा, कौन से मोशन में, राइट मोशन में बनेगा आर का हुक. ठीक है, कर्व ट्रेड स्टॉक के साथ. और ऐसे ही एल का हुक बनेगा हमारा लेफ्ट मोशन में स्ट्रेट स्टॉक के साथ. ठीक है, फिर आर का हुक कर स्टॉक में कैसे बनेगा हमारा, ये वो बताया गया है. उसके बाद ऐसे एल हुक का बताया गया है कि ये कैसे बनेगा हमारा कर स्टॉक के अंदर. ठीक है गाइस, कुछ पॉइंट्स है वो एक बार देख लो. राइट मोशन में हमारा हुक बनेगी आर की, ठीक है, लेफ्ट मोशन में एल की हुक बनेगी, मैंने क्लियर कर दिया. आर हुक छोटी बनेगी, एल हुक बड़ी बनेगी, जैसे कि एफ आर देखिए एंड एफ एल देखिए. फिर एल अगर आई एस एच मतलब इश के साथ हमेशा अपवर्ड बनेगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है. के आर जी आर से रिलेटेड वर्ड जो आएंगे उसमें जो हुक होगी वो एक के आर की लाइट और जी आर की डार्क बनेगी, क्योंकि आपको पता है के और गे में गे डार्क बनता है, के लाइट बनता है. ठीक है गाइज, चलिए आप एक बार चैप्टर देखिए. चैप्टर में आप देखिए स्मॉल हुक्स कैसे बन रही है, पर फेल फर फेल. ठीक है, उससे रिलेटेड वर्ड कैसे बने, पाई प्लाई अप्लाई लीड लीडर लीडरलेस पिटी प्रिटी पीटर पीटर लू टाई ट्राई ट्राइफल एंड ट्राइफलर्स. ठीक है, अब एल की हुक पे आ जाते हैं. एल की हुक में देखिए डीपली ब्रीफली ब्रीफलेस थिनली एनलीवर एंड पीवियसली. ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिएगा ग्रामोलॉक्स. ग्रामोलॉक्स में देखिए प्रिंसिपल प्रिंसिपली लिबर्टी मेम्बर रिमेम्बर नंबर ट्रूथ डॉक्टर डॉक्टर डियर ड्यूरिंग चेयर एंड लार्ज के. तो ये वर्ड्स कैसे बन रहे हैं, यहाँ नीचे मैंने लाइन डाली हुई आप लोगों के लिए आउटलाइन के लिए कि कौन सा अबव द लाइन है, ये ऑन द लाइन है, और जहाँ पर डी लिखा है वो डार्क बनेंगे, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ठीक है गाइज, चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज 39 और 40 दोनों देख लो आप. एक्सरसाइज 39 आप पहले अच्छे से देख लीजिए, इसका आउटलाइन देख लीजिए, तो इसका आंसर भी मैं दिखाऊंगी, इसकी शॉर्ट हैंड लिखी हुई है मैंने आप लोगों के लिए. ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे भी पहले मैंने लिख रखी थी, ये आपकी रिवीजन चैप्टर की एक्सरसाइज है, तो आप ये देख लीजिए. फिर ये 40 एक्सरसाइज देख लीजिए, इसमें वर्ड्स दे रखे हैं, उसमें हमें शॉर्ट में बनानी है. ठीक है, चलिए अब इसमें इसका आंसर देखते हैं. देखिए गाइस, एक्सरसाइज 39 पे प्रे प्रेड बाय ब्राइट ब्राइटर टाई ट्राई ट्रायल एंड क्राई एंड क्राई. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड है प्राउड क्रे ईगर ईगरली मिकर फिगर टाइगर चीपर एंड टेपर. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हमारा पाई प्लाई अप्लाई प्ले प्लेस प्लेजर ब्लेम ब्लेम्स इम्प्लाई रिप्लाई एंड टोटल. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट देखिए ऑफर ऑफरिंग एवरी अफ्रेड एवरेज ऑथर ऑथर्स आइदर टफर एंड डिफर एंड जेफरे. फिफ्थ पॉइंट है हमारा श्रू श्रूड श्रिक श्रिंग फिसर ट्रेजर मेजर लाइजर एंड कैलमर एंड मैन्यूअर. ठीक है, अब सिक्स पॉइंट हमारा बंकर ड्रिंकर टिंकर कॉन्कर कॉन्करिंग एंड थिंकर. फिर लास्ट सेवन पॉइंट है फ्लो फ्लंग फ्लैट फ्लेज इथल कैमल ऑफिशियल होपफुल जॉयफुल एंड पॉजिटिवली. तो गाइज इस एक्सरसाइज में हमारे टोटल फर्स्ट से लेकर सेवन पॉइंट है, जैसे शॉर्ट हैंड लिखी थी उसी के अकॉर्डिंगली इसके वर्ड्स लिखे हुए हैं. ठीक है गाइज, चलिए अब हम एक्सरसाइज 39 हो गया 40 देखते हैं. देखिए फर्स्ट पॉइंट प्राई प्राइड प्रीच प्रीचर ब्रे
ब्रेक एंड ब्रेकर। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा क्रो, क्रॉक, क्रिकेट, ग्रू, ग्रुप, ग्रेस एंड बिगर। थर्ड पॉइंट हमारा प्लाई, प्लाइड, प्लेड, प्लम, प्लेस, रिप्लेस एंड रिप्लेसेस। फोर्थ हमारा प्रॉब्लम एंड क्लोज एंड क्लोजर, ब्लो, ब्लोज एंड ब्लस्टर। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा डबल, पैडल, फिडल, मॉडल, फिकल, ग्लो एंड ग्लो। सिक्स्थ हमारा फ्रेड, अफ्रेड। फिर हमारा है टफर, अदर, अदरवाइज, एवरी, यूसर, प्रेसर एंड इनर। ठीक है, अब सेवन पॉइंट है हमारा ऑनर, ऑनरेबल, फेवर, फ्लावर, फ्लेचर, फेथफुल एंड प्रिविलेज, मार्शल, स्पेशलाइज एंड मार्शल एंड स्पेशलाइज। बस सेवन पॉइंट ही है इसके अंदर गाइज। तो जैसे हमारी शॉर्ट एंड थी उसी के अकॉर्डिंगली हमारे सेवन पॉइंट्स भी दे रखे हैं, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 41। जैसे हमारी एक्सरसाइज 41 है, इसके अंदर हमें पैराग्राफ दे रखा है शॉर्ट एंड का। ठीक है, अब हमें इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, तो आप पहले ये देख लीजिए अच्छे से। देखिए 41 एक्सरसाइज देख लो, पहले अच्छे से पैराग्राफ देख लो उसका, शॉर्ट एंड लिखी हुई है। एक बार मैं आपके लिए जूम भी कर देती हूँ, आउटलाइन देख लेना, इसका आंसर बताऊंगी पॉइंट वाइज लिखे हुए। अब इसी के साथ आप एक्सरसाइज 42 भी देख लो, जिसके अंदर हमें पैराग्राफ इंग्लिश में दे रखा है, हमें इसकी शॉर्ट एंड बतानी है। ठीक है गाइस, चलिए मैं दोनों एक्सरसाइज आपको दोनों के आंसर दिखाती हूँ। देखिए एक्सरसाइज 41 की फर्स्ट पॉइंट हमारा डियर क्ले। ठीक है, फिर सेकेंड है इफ़ यू आर एट लिबर्टी ऑन फ्राइडे नेक्स्ट आई शैल बी प्लीज इफ़ यू विल ट्राई टू कम इन एंड सी डॉक्टर ड्राइवर आवर प्रिंसिपल मेंबर फॉर द बोरो। ठीक है, अब शॉर्ट एंड कैसे होगी, इफ़ यू आर एट लिबर्टी ऑन फ्राइडे नेक्स्ट आई शैल बी प्लीज्ड इफ यू विल ट्राई टू कम इन एंड सी डॉक्टर ड्राइवर, नाम है इसलिए दो डैश लगेंगे, आवर प्रिंसिपल मेंबर फॉर द बोरो। ठीक है गाइस, अभी अब आवर प्रिंसिपल और मेंबर ये हमारे ग्रामर लॉक्स है, जो मैंने आपको याद होगा मैंने आपको बताया, तो फिर प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करनी है। थर्ड पॉइंट देखिए, ही इज टू टेक द चेयर एट द क्लब डिनर इन अप्रैल एंड आई शुड लाइक यू टू नो हिम। ही इज टू टेक द चेयर एट द क्लब डिनर इन अप्रैल एंड आई शुड लाइक यू टू नो हिम। फिर फोर्थ पॉइंट है, द मेंबर एट द डिनर मे बी लार्जर दिस ईयर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकल एंड नेबरिंग क्लब्स ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। तो इसकी शॉर्टिंग कैसे होगी, द नंबर एट द डिनर मे बी लार्जर दिस ईयर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकल एंड नेबरिंग क्लब्स ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फिफ्थ पॉइंट देखिए, आई थिंक यू ऑट टू बी एट लीस्ट ऑनररी मेंबर ऑफ आवर क्लब। तो शॉर्ट एंड कैसे होगी, आई थिंक यू ऑट टू बी एट लीस्ट ऑनररी मेंबर ऑफ आवर क्लब। ठीक है, और सिक्स पॉइंट है हमारा, द अदर मेंबर वुड बी हैप्पी टू हैव यू विद देम एंड दे वुड चीयर यू अप एंड इन ट्रूथ यू कैन डू विद इट। तो शॉर्ट एंड कैसे होगी, The other members would be happy to have you with them and they would cheer you up and in truth you can do with it. ठीक है, अब सेवेंथ पॉइंट है, it would be no trouble to me to post the case for you if you care to apply. तो शॉर्टन कैसे, it would be no trouble to me to post the case for you if you care to apply. फिर लास्ट पॉइंट हमारा एट, फेथफुली योर्स पीटर फ्लेचर, फेथफुली योर्स पीटर फ्लेचर। तो गाइज एक बार ये एक्सरसाइज अच्छे से देख लो उसके पॉइंट्स आप, फर्स्ट से लेकर देख लीजिए, शॉर्ट एंड भी देख लो अच्छे से। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पेज। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 42 देखते हैं। तो गाइज एक्सरसाइज 42 देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, डियर सर थैंक यू फॉर योर्स ऑफ द 1st of April एंड फॉर मेलिंग मी योर प्राइस लिस्ट एंड सैम्पल ऑफ ब्लू एंड ब्लैक इंक्स एंड ग्लू इन द सेवरल साइज ऑफ बोटल्स। तो शॉर्ट एंड कैसे होगी, डियर सर थैंक यू फॉर योर्स ऑफ द 1st of April एंड फॉर मेलिंग मी योर प्राइस लिस्ट एंड सैम्पल्स
to blue and black things and glue in the several size and bottles. ठीक है. सेकेंड बोर्ड आई थिंक द लेबल आर बेटर एंड ब्राइटर नाउ. तो इसको शॉर्टन कैसे है, आई थिंक द लेबल्स आर ब्राइटर एंड सॉरी बेटर एंड ब्राइटर नाउ. द थर्ड पॉइंट इज कम आई शैल गिव द सैम्पल अ फेयर ट्रायल ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड इफ सुटेबल आई मे बी एबल टू स्टॉक अ लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉलर साइज. तो शॉर्टन कैसे होगी, आई शैल गिव द सैम्पल्स अ फेयर ट्रायल्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड इफ सुटेबल आई मे बी एबल टू स्टॉक अ लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉलर साइज. ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट इसका फोर्थ पॉइंट देखिएगा. फोर्थ पॉइंट देखिए लास्ट, एज आई थिंक यू नो माई प्रिंसिपल बिजनेस इज विद लीगल ऑफिसर्स एंड एज यू विल एग्री इट इज एसेंशियल टू ऑफर दैम ओनली फर्स्ट क्लास इंक्स योर ट्रूली. तो स्टूडेंट कैसे, एज आई थिंक नो माई प्रिंसिपल बिजनेस इज विद लीगल ऑफिसर्स एंड यू विल एग्री इट इज एसेंशियल टू ऑफर दैम ओनली फर्स्ट क्लास इंक्स फुल स्टॉप योर स्टूडेंट. ठीक है गाइस, एक बार ये पॉइंट अच्छे से देख लीजिए एक्सरसाइज फिर से. ये फोर्थ पॉइंट देख लिया आपने, अब फर्स्ट लेकर थर्ड पॉइंट दिखाती हूँ मैं आपको, वो भी आप देख लो. तो गाइस यहाँ पर आपका चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर 11 था, चैप्टर 11 जो है हमारा फिनिश होता है. तो गाइस आपको जैसे कि पता होगा मैंने टोटल 21 चैप्टर तक एक्सरसाइज करा दी है और लास्ट जो मेरी फुल रिवीजन वाला कोर्स की वीडियो बनी थी वो 8 चैप्टर तक बनी थी. आज मैंने आपको 9, 10, 11 ये तीन एक्सरसाइज करवाई है. वीडियोस के पार्ट्स बनेंगे गाइस 1, 2, 3 करके. तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं 9 से लेकर 11 तक चैप्टर कंप्लीट रिवीजन मैंने आपको करवाया है. ठीक है गाइस, तो उसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहना और फोकस करना स्टेनोग्राफी पे, तभी आपको ये अच्छे से आ पाएगी. तो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप इन टच विद माई चैनल. सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें. तो गुड बाय गाइस, थैंक यू.